अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ 0.2 पंजाब और केपी असेंबली के हवाले से। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले बताता चलूं, आम इंतखाबात इसी साल 2022 में होने का इम्कान है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा इम्पोर्टेड हुकूमत आम इंतखाबात 2023 में करवाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने पंजाब और केपी असेंबली के हवाले से जो फैसला किया है, उस हवाले से आप ये रिपोर्ट मुलाहजा करें। असेंबलियां पहले मामले पर तहरीक इंसाफ ने नया बैटिंग प्लान तैयार कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली तहलील की जाएगी या नहीं, आइए इस हवाले से जानते हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली तहलील ना करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कयादत को कानूनी माहिरीन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए अगर सूबाई असेंबलियां तहलील की गयी तो वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा सकती है, और अगर दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील हुई तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ यहाँ इलेक्शन करवाएगा। जिसके बाद पीटीआई कयादत ने फैसला किया कि दोनों संधियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी।